हेलो फ्रेंड्स, माइंड वॉर्स की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है इज इट पॉसिबल। इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के ऐसे इनिशिएटिव्स और एक्सपेरिमेंट्स जो आपको बैठे बैठे दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है, सबके अपने अपने फेवरेट गेम्स और कैरेक्टर्स हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद एक गेम के अंदर हों? क्यों, घूम गया ना दिमाग? इसलिए आज हम जानेंगे द फ्यूचर ऑफ गेमिंग हमारे एपिसोड इज इट पॉसिबल टू बी अ कैरेक्टर इन अ वीडियो गेम में। आहान और विहान दोस्त ऐसे जैसे दोनों की बस्ती है एक दूसरे में जान, लेकिन इन दोनों की रोज रोज की लड़ाई से घर वाले, टीचर्स और सब थे परेशान। अब एक दिन ऐसा हुआ, आहान और विहान वीडियो गेम खेल रहे थे। सेव मी, सेव मी, सेव मी, शिट। आहान बेचारा वीडियो गेम में फिर से हारा। अरे यार, तुझको सेव करता तो मुझे सीधा हेडशॉट पड़ जाता, तू ना हमेशा मुझे चीट करता है। अगर मैं लाइफ में एक गेम कैरेक्टर होता तो सबसे पहले तुझे हरा देता। मतलब कुछ भी, तू पागल है क्या? गेम बस स्क्रीन पर होती है, रियल में नहीं। ला मेरा गेम पैड वापस कर। अरे रुक रुक, जस्ट गिव इट टू मी। दोनों का झगड़ा इतना बड़ा, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन एक सवाल था सामने खड़ा, क्या सच में हम एक गेम कैरेक्टर बन सकते हैं? सुनकर इम्पॉसिबल लगता है ना, चलो देखते हैं ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। हिस्ट्री ऑफ वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स की हिस्ट्री 60 से 70 साल पुरानी है, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने पहली बार सिंपल गेम्स डिजाइन करना शुरू किया। एक वीडियो डिस्प्ले पर चलने वाला सबसे पहला वीडियो गेम स्पेस वॉर था, जिसे 1962 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया था। अब वीडियो गेम्स की दुनिया में एंट्री होती है फादर ऑफ वीडियो गेम्स रैल्फ बेयर की, जिन्होंने 1967 में एक मल्टी प्रोग्राम वीडियो गेम का प्रोटोटाइप इन्वेंट किया, जिसे टीवी पर प्ले किया जा सकता था। इस प्रोटोटाइप का नाम ब्राउन बॉक्स रखा गया, लेकिन मार्केट में इसे मैग्नावॉक्स ओडिसी के नाम से लॉन्च किया गया। अब ये हिस्ट्री का चैप्टर हटाते हैं और आज की दुनिया में आते हैं। पॉपुलर गेम्स एंड कैरेक्टर्स अराउंड द ग्लोब। वीडियो गेम्स का जादू कुछ ऐसा है कि बच्चे हो या टीनेजर्स, दे आर क्रेजी अबाउट गेम्स एंड कैरेक्टर्स। और ये क्रेज ऐसी है कि आज भी कुछ गेम्स के कैरेक्टर्स किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ज्यादा पॉपुलर हैं। मतलब ब्रांड है ब्रांड। पिकाचू, पैकमैन, लिंक से लेकर लारा क्रॉफ्ट, एजेंट 47, जेरल्ड ऑफ रिविया तक ऐसे कई सारे आइकॉनिक गेम कैरेक्टर्स हैं जिनकी दुनिया फैन है। कुछ गेम्स के कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें रियल लोगों से इंस्पायर होकर बनाया गया है। जानना चाहोगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में? मारियो, नेथन ड्रेक, लू कैंग, क्रेटोस, जॉनी केज, एंड्रू रायन जैसे कई पॉपुलर कैरेक्टर्स रियल लाइफ पीपल पर बेस्ड हैं। ये कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ लोगों जितने ही रियल लगते हैं। रियल लाइफ लोगों पर गेम्स के कैरेक्टर डिजाइन करना इज एन ओल्ड फैशन। आज वीडियो गेम्स को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बनाने के लिए काफी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। यानी हम खुद वीडियो गेम का एक कैरेक्टर बन जाए तो इज इट पॉसिबल? चलो जानते हैं। इज इट पॉसिबल टू बी अ गेम कैरेक्टर? तो बच्चों, वीडियो गेम्स के लिए जितने भी गेमिंग कंसोल्स आप देखते हो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव होती है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। ये गेमिंग कंसोल एक गेम पैड या जॉयस्टिक से जुड़ा होता है, जहां से हम कैरेक्टर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वीडियो गेम्स का इंटरफेस कुछ इस तरह होता है कि कई बार गेम खेलते खेलते हम खुद को ही गेम का कैरेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, जहां से खुद एक गेम कैरेक्टर बनने का आइडिया आता है। अब आइडिया आया है तो इस पर डिस्कशन तो बनता है। वीडियो गेम्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए आज ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग यानी एआर गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग यानी वीआर गेमिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। बड़े भारी भरकम नाम लगते हैं ना, चलो मैं आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। एक एआर यूजर वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे वो खुद गेम का एक कैरेक्टर हो, जबकि वीआर में एक हेडसेट से हम एक वर्चुअल रियलिटी देखते हैं, जिसे एक डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है। दोनों तरह की गेमिंग में यूजर को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे कई एडवांस्ड फीचर्स हैं जिससे आपकी एक वीडियो गेम कैरेक्टर बनने की इमेजिनेशन को एक रियलिटी बनाया जा सकता है। एआर और वीआर गेमिंग के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज होते हैं जिससे आपकी बॉडी एक गेमिंग कंट्रोलर की तरह काम करती है।
आपकी बॉडी जैसे मूव करती है, वैसे ही स्क्रीन पर गेम का कैरेक्टर मूव करता है। इट मींस टोटल कंट्रोल ऑफ योर कैरेक्टर इन द गेम। एक तरह से आप खुद ही गेम का कैरेक्टर बन जाते हैं और गेमिंग का रियल एक्सपीरियंस लेते हैं। एक वीडियो गेम में कैरेक्टर बनकर गेम का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस लेने का कॉन्सेप्ट बड़ा ही वियर्ड है, जिसके बारे में बहुत सारे प्रोफेशनल गेमर्स और गेम डिजाइनर्स ने इमेजिन किया है। लेकिन घूम फिर कर वही सवाल सामने आता है कि क्या सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो गेम के एक्सपीरियंस को एकदम रियलिस्टिक बना सके। आज VR और AR गेमिंग ने गेम के रियलिस्टिक एक्सपीरियंस को काफी हद तक सच बना दिया है। VR हेडसेट्स, मोशन ट्रैकिंग सिस्टम्स एंड हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेस से आज गेमर्स पहले के मुकाबले एक अनथिंकेबल एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मगर गेम के अंदर कैरेक्टर बनना अभी इम्पॉसिबल है। साइंस फिक्शन मूवीज की तरह हम अभी तक एक वीडियो गेम में कैरेक्टर बनने की रियलिटी के पास नहीं पहुंचे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, शायद हम कभी इसे एक पॉसिबिलिटी बनते हुए देख पाएं। अब आहान एक रियल लाइफ गेम कैरेक्टर बन सकता है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक गेम कैरेक्टर का रियल टाइम में कैसे प्ले किया जा सकता है, वही इन्फॉर्मेशन मैंने आहान और विहान को भी दी। उसके बाद पता है क्या हुआ? अब आहान और विहान का झगड़ा झगड़ा नहीं, फन बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ रियल टाइम गेमिंग एक्सपीरियंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने भी ये एक्सपीरियंस लिया क्या? आगे भी मैं ऐसी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपको इंफोटेनमेंट देता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सवाल कॉमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए और देखते रहिए नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन माइंड वॉज यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। ओ बाय द वे, हैव यू डिस्कवर्ड द माइंड वॉज ऐप येट? नहीं तो जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए माइंड वॉज ऐप। खेलो, सीखो, बनो स्मार्ट।